मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने अभी एक दो दिन के अंदर देखा होगा, सभी लोगों को एक मेल आया है YouTube की तरफ से, जिसमें लिखा है चेंजेस टू YouTube's टर्म्स ऑफ सर्विसेज। काफ़ी सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि YouTube ने ये मेल हमें क्यों किया है, क्योंकि सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी जीमेल का यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी सभी लोग चलाते हैं, तो सभी को लग रहा होगा कि ये मेल और टर्म्स और सर्विसेज किस तरीके के हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि YouTube समय समय पर अपने टर्म्स ऑफ सर्विसेज को जो है चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है, क्योंकि अलग अलग देशों में उसकी अलग अलग पॉलिसीज चलती हैं, उसी के तहत ये चेंजेस किए गए हैं। और ये चेंजेस हैं किसके लिए, तो ये चेंजेस हैं दोस्तों जो YouTube क्रिएटर्स हैं, जो YouTube पर वीडियोज़ बनाते हैं, हम जैसे लोग। अब ये हमें एक समरी के तहत ये तीन पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि हमें इनका आगे से पालन करना है। उसमें सबसे पहला है फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शंस। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने वीडियोस में या यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी ऐसे पर्सन की फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसका बिना उसके कंसेंट के, बिना उसकी जानकारी के, बिना उसके हाँ किए हुए हम किसी भी व्यक्ति का अब जो है फेशियल रिकॉग्निशन फ़ोटो वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हमारे वीडियोज़ में। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है यूट्यूब्स राइट टू मोनेटाइज। इसमें दोस्तों ये बोला गया है कि YouTube के पास पूरा अधिकार है मोनेटाइज के कंटेंट्स का। जैसा आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोगों के जो YouTube चैनल हैं वो मोनेटाइज नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनके वीडियोस पर जो है कुछ ऐड आ जाते हैं, ऐड जो 5 सेकंड के स्किपेबल एड्स होते हैं या जिस भी तरीके के एड्स आते हैं, वो ऐड YouTube का पूरा अधिकार है किसके वीडियोस पर वो उसको ऐड दिखाना है, किसके पे नहीं दिखाना है। तो ये एक चेंज आया है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपका चैनल मोनेटाइज हो, ये यूट्यूब का पूरा अधिकार है यूट्यूब किसको ये वीडियो दिखाना चाहता है। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी चेंज किया है वो है रॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विदहोल्डिंग का। ये जो क्रिएटर्स हैं उनका ये बताया गया है जितने लोगों का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि US में जो है पहले ही लागू कर दिया गया था, US में ये जो है नवंबर में ही लागू हो गया था, अब जो है ये नया 1 जून से लागू होने वाला है कि आपको जो आपका टैक्स कटता है, जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे बेसिस जो है ये चेंज किया गया है। इसमें लिखा है US टैक्स पर्सपेक्टिव एंड गूगल विल विथहोल्ड टैक्सेस वेयर रिक्वायर्ड बाय लॉस। और ये सारे जो चेंजेस हैं दोस्तों ये 1 जून से इफेक्ट में आएंगे US के बाहर, मतलब भारत में भी ये चेंजेस आने वाले हैं, इसीलिए ये मेल सभी लोगों को आया है। तो इससे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, जो YouTube क्रिएटर्स नहीं हैं उनको तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और जितने भी YouTube हम जैसे जो लोग क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये चेंजेस से 1 जून से प्रभावी होने वाले हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो और ये मेल समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।